हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट ब्रेड पिज़्ज़ा। ये झटपट से बनके रेडी हो जाती है और खाने में उतनी ही डिलीशियस। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ले लेंगे एक बाउल, और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कप छोटे छोटे पीस में कटे हुए शिमला मिर्च। तो यहाँ पर आप सिर्फ ग्रीन वाली ही शिमला मिर्च ले सकते हैं। और एक कप मैंने ले लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए गाजर। एक छोटे मीडियम साइज का हम टमाटर ले लेंगे चॉप किया हुआ। एक मीडियम साइज का हम ले लेंगे प्याज बारीक कटे हुए। और एक कप मैंने ले लिया है कॉर्न, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम ले लेंगे कढ़ाई, तो उसमें हम डाल देंगे एक चम्मच ऑयल। ऑयल हमें बस इतना ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए हैं। तो ये सारी सब्जियां हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो बस इतना ही इसमें हमें ऐड करना है, और भी कुछ हमें इसमें ऐड नहीं करना है। और इन सब चीज़ों को डाल के हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसे हम हल्का कुक कर लेंगे। इसे हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सॉफ्ट होने तक ही कुक करना है। पिज़्ज़ा को हम पैन में बनाने वाले हैं, तो इसमें सब्जियाँ अच्छे से कुक नहीं होती है, तो बच्चे हमारे अच्छे से खा नहीं पाते हैं, इसलिए हम इसे हल्का सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे ताकि बच्चे भी अच्छे से इसे खा पाएँ। तो ये हमारी सब्जियाँ हल्की सॉफ्ट हो गई है, बस हमें इसे इतना ही पकाना है। गैस हम ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे इसे हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 पीस ब्रेड, और इसमें हम लगा देंगे टोमेटो सॉस। थोड़ी सी हम इसमें पास्ता सॉस ऐड करेंगे। इसके ऊपर से हम ऐड कर देंगे मेयोनीज। मेयोनीज है तो आप ऐड कीजिए, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को डाल के हम इसे अच्छे से ब्रेड के ऊपर से इसे हम स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। इसके ऊपर से हमने जो स्टफिंग रेडी की है उसे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप जो भी सब्जियाँ ऐड करना चाहते हैं वो सब्जी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर से हम इसमें चीज़ डाल देंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, प्रोसेस्ड चीज़, मोजरेला चीज़, जो भी चीज़ है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छेदार चीज़ लिया है, अब इसे हम इसके ऊपर से रख देंगे। और यहाँ पे हम ले लेंगे पैन, उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बटर, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर से हम ये ब्रेड पिज़्ज़ा को इस तरह से रख देंगे और ढक्कन से कवर करके हम इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। तो इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसके ऊपर से हम ऐड कर देंगे ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स। तो ये रेडी है हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।